था कि आजादी के आंदोलन में उनकी कोई भूमिका नहीं रही, तो अपना नाम दर्ज करवा रहे थे, अपना इनका दर्ज हो जाए। कल इतिहास में देखा जाएगा कि बाबू कुंवर सिंह जन्मोत्सव मनाया गया और उसमें गिनीज बुक में नाम दर्ज हुआ और उसमें बाबू कुंवर सिंह जन्मोत्सव नहीं लिखा जाएगा, अमृत महोत्सव लिखा जाएगा। गांधी के शहादत का 75 वर्ष भी नहीं लिखा जाएगा, लेकिन बाबू वीर कुंवर सिंह का नाम नहीं लिखा जाएगा। हम भारतीय जनता पार्टी को चुनौती देना चाहते हैं, ऐ फर्जी राष्ट्रवादियों, अगर राजनीति में नैतिक बल है तो तुमने हमारे पुरखों का अपमान किया है। तुमको कार्यक्रम करने का अधिकार नहीं है। तुमने बाबू वीर कुंवर सिंह के साथ जो अन्याय किया, जो अभिलेख में अन्याय उनके साथ किया और रिकॉर्ड अन्याय किया, उनके राष्ट्रीय स्मारक बनाने की बात कहकर के जो भ्रमजाल फैलाया है तुमने, ये तमाम जो ऐसे सवाल हैं, जो सवाल पर आपका हम पीछा करते रहे। हम नई पीढ़ी के नौजवानों से यह कहना चाहते हैं कि अगर बाबू वीर कुंवर सिंह के प्रति मन में सम्मान है और एक स्वतंत्रता सेनानी के बेटा माननीय नीतीश कुमार जी ने एक लंबी फेरिस्त उनके सम्मान के लिए किया, क्योंकि उनको इस बात का दर्द है कि आजादी के आंदोलन में जिन लोगों ने अपनी भूमिका निभाई उसकी तीसरी पीढ़ी की चिंता किया। इसलिए हम यह कहना चाहते हैं भारतीय जनता पार्टी से संक्षेप में कि क्या यह सही है कि बाबू वीर कुंवर सिंह जन्मोत्सव के नाम पर कार्यक्रम तो किया गया, लेकिन उस कार्यक्रम को गिनीज बुक में तो दर्ज करा लिया, लेकिन उसमें बाबू वीर कुंवर सिंह जन्मोत्सव नहीं लिखना, बाबू वीर कुंवर सिंह का नाम नहीं लिखना, यह स्पष्ट करता है कि आपने बाबू वीर कुंवर सिंह का अपमान किया। दूसरा मुद्दा मेरा महत्वपूर्ण है, 367 दिन हो गए